आज इस वीडियो में Realme CE25S के ऊपर वाटर ड्रॉप टेस्ट करने वाले हैं। अगर ये फोन इस टेस्ट को पास कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह फोन वाटरप्रूफ है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने का मेन मोटिव ये जानना है कि अगर ये फोन बारिश में भीग जाए या फिर एक्सीडेंटली पानी इस फोन के ऊपर गिर जाए तो क्या ये फोन बच पाएगा या फिर नहीं। व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, इस टेस्ट को परफॉर्म मत करिएगा। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। इस फोन को हम 1 मिनट के लिए पानी में रखेंगे। फोन को पूरा पानी में 1 मिनट हो चुका है। चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं और अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। तो हमारा फोन अच्छे से ड्राई हो चुका है, अभी ये टेस्टिंग के लिए रेडी है। फिंगरप्रिंट स्कैनर सही से काम कर रहे हैं। टच में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी जल्दी से स्पीकर, वॉल्यूम रॉकर, हेडफोन जैक एंड माइक की वर्किंग भी चेक कर लेते हैं। हेलो 1 2 3 माइक चेक। हेलो 1 2 3। हेलो 1 2 3 माइक चेक। हेलो 1 2 3। तो जैसे कि आपने देखा, वॉल्यूम रॉकर, हेडफोन जैक, स्पीकर, माइक सभी अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर बात करें नेटवर्क्स की तो सिम बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, कोई भी इनमें दिक्कत नहीं है। चलिए अभी फोन को चार्ज करके भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फोन प्रॉपरली चार्ज हो रहा है। इस फोन ने वाटर ड्रॉप टेस्ट पास कर लिया है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल ये फोन सरवाइव कर सकता है अगर एक्सीडेंटली इस फोन के ऊपर पानी गिर जाए या फिर ये फोन बारिश में भीग जाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। होप टू सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो।